नमस्कार दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो कि साल 2009 में केवल 6 पैसे की थी और आज साल 2021 में उसकी वैल्यू करीब 35 लाख रुपए हो गई है। तो इसको समझने के लिए, अगर मान लीजिए साल 2009 में आपने 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते, तो आज साल 2021 में उसकी वैल्यू करीब करीब 599 करोड़ रुपए होती। इसको हम दोबारा दोहरा दें, अगर आपने साल 2009 में 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते, तो आज आप करीब 599 करोड़ रुपए के मालिक होते। तो इसी वजह से दोस्तों, बिटकॉइन में इनिशियल डिस्ट्रस्ट के बावजूद बिटकॉइन में एक ट्रस्ट हमेशा बना रहा है, क्योंकि इसमें काफी जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, उसके अलावा माइक टाइसन, उसके अलावा जो ट्विटर के मालिक हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी, तो ऐसे काफी जो रिलायबल नेम है, काफी रिलायबल नाम है, ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये बिटकॉइन में निवेश करते रहते हैं। हाल फिलहाल में जैसे कि हमने कहा, एलन मस्क बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने बिटकॉइन में काफी करोड़ों रुपए लगाए हैं। तो इसी वजह से बेशक बिटकॉइन में हमेशा से एक डिस्ट्रस्ट रहा है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल करेंसी है, इसकी वैल्यू बहुत ऊपर और नीचे जाती है, पर क्योंकि इतने नामी ग्रामी लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो इसमें थोड़ा सा हमेशा से ट्रस्ट भी बना रहता है और लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन में निवेश करें, कुछ पैसे बनाएं। पर दोस्तों, बिटकॉइन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, जिसमें कि इंडिया में स्पेशली जो लॉज हैं आपको उसे समझना होगा इसमें निवेश करने से पहले। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन है क्या, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन की लीगैलिटी इंडिया में क्या है, बिटकॉइन में निवेश करना इंडिया में वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। और दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम ऐसे ही लीगल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। हम जो आप जो लीगल टॉपिक्स आपको डे टू डे लाइफ में आपको इफेक्ट करते हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है, ऐसे लीगल टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। और ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया डिस्कशन करें तो आप उससे नोटिफाइड रहें, आपको पता लगे और आप उस चीज़ का फायदा उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों, एक बिटकॉइन होता क्या है? कोई भी टेक्निकल निटी-ग्रिटी में जाने से अच्छा है कि हम इसे मोटा मोटा ये समझ लें कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अब जैसे समझ लीजिए, आपका 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए के नोट में जिसको 100 रुपए की चीज खरीदनी है उसके पास 100 रुपए का नोट है, और उसने ये 100 रुपए का नोट उसको देना है जिसके पास वो चीज है। तो दो लोग हैं और इसके बीच में है बैंक, या जो RBI है वो गारंटी करती है कि जो जो 100 रुपए का नोट है, जो इसका धारक है, वो अगर जिससे वो खरीद रहा है चीज, वो उसे 100 रुपए देता है, तो जिसने चीज बेची है उसके पास अगर 100 रुपए का नोट आ जाता है, तो ही कैन फर्दर एक्सचेंज, वो 100 रुपए के नोट को आगे एक्सचेंज कर सकते हैं टू बाय अ थिंग वर्थ 100 रुपए। और इसको गारंटी कौन करता है? इसको गारंटी करता है बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो लोगों के बीच में एक इंटरमीडियरी आता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गारंटी करता है। बट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ऐसा कोई सेंट्रल, कोई बीच का कोई थर्ड पार्टी नहीं होता जो इस चीज को गारंटी करता है। ये बस दो लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन है, और इसी वजह से जो डिजिटल करेंसी है इसको कहते हैं कि इसके बीच में कोई गारंटर नहीं होता। जैसे कि फॉर द केस ऑफ एन इंडियन रूपी, जो गारंटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कि अगर किसी ने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसने बेचा है उसे ये गारंटी करता है कि आप अगर इनसे ये लीगल टेंडर ले लेंगे, ये 100 रुपए ले लेंगे, जिसको कि हम लीगल टेंडर कहते हैं, अगर आप इनसे लीगल टेंडर ले लेंगे तो आप आगे इस 100 रुपए से 100 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। और ये चीज गारंटी करती है बीच का एक इंटरमीडियरी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मोटा मोटा बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कि कोई इंटरमीडियरी नहीं है, वो बस दो लोगों के बीच का है। और ये क्रिप्टो करेंसी को आप खरीद कैसे सकते हैं? जो बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो डिजिटल करेंसी है, इसको आप खरीद कैसे सकते हैं? इसको आप दो तरीकों से खरीद सकते हैं। एक तो आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। एक्सचेंज पे काफी तरीके के बिटकॉइंस हैं, काफी तरीके की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। एक तो आप डिजिटल करेंसी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। इंडिया में भी काफी सारे डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस हैं, आप उन पे जाएं, उन पे रजिस्टर करें और उन पे आप खरीद सकते हैं। जो भी उस दिन की वैल्यू होगी डिमांड सप्लाई के हिसाब से, आप उस वैल्यू पे उस क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू। अब बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? बिटकॉइन माइनिंग का मतलब यह है कि अब एक बिटकॉइन को बनाने के लिए बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं बिटकॉइंस को बनाने के लिए, और उसका एक एल्गोरिदम होता है, तो एक पजल के तौर पर होता है। अगर आप उस पजल को सॉल्व करते हैं तो आपको एक बिटकॉइन मिलेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिटकॉइन माइनिंग।
काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट यह है कि आप एक कंप्यूटर पजल को सॉल्व करेंगे तो आपको बिटकॉइन मिलेगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। सुनने में जितना आसान है, एक्चुअल प्रोसेस में उतना आसान नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, बहुत ही हैवी प्रोसेस है, बहुत ही कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली ये है कि पजल सॉल्व करें, बिटकॉइन अगर आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन माइनिंग। तो देयर आर टू प्रोसेसेस टू गेट अ बिटकॉइन, नंबर वन थ्रू द एक्सचेंज एंड नंबर टू थ्रू बिटकॉइन माइनिंग। और दोस्तों अगर आपने बिटकॉइन को बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू या फिर आपने एक्सचेंज से खरीदा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जब आपने खरीदा था या बिटकॉइन को माइन करा था उसकी वैल्यू तब क्या थी और आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। अब दोस्तों नेक्स्ट, क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और इसको हम आपको जल्दी से समझा दें। तो दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन की जो वैल्यू है इतनी बढ़ती घटती रह रही थी और इतनी ज़्यादा उसमें कई लोग ओवरनाइट बिलियनर्स बन रहे थे, तो काफ़ी लोगों का एक इंटरेस्ट जागा बिटकॉइन में और इंडिया में मतलब बिटकॉइन का क्रेज बहुत ज़्यादा फैल गया, जिस वजह से काफ़ी लोग बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो इसी वजह से जो इंडिया का रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने 2013 में एक सर्कुलर इशू किया लोगों को सावधान करते हुए बिटकॉइन खरीदते वक्त। नवंबर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी गठित की और इस कमिटी को ये आदेश दिया गया कि वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो भी इशूज हैं उस पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस कमिटी ने साल 2019 में एक रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रही है उस पर ब्लैंकेट बैन लग जाना चाहिए। दोस्तों ये जो कमिटी थी 2017 में जो गठित हुई थी, इसने 2019 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, पर जब ये इसकी रिपोर्ट अवेटेड थी साल 2018 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया और इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक्स थे, सबको क्रिप्टो करेंसीज में डील करने से मना कर दिया, उनको बैन कर दिया। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर कोई एंटिटी क्रिप्टो करेंसीज में डील करती है तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसके साथ डील ना करे। तो दोस्तों ये जो 2019 का इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी का जो रिपोर्ट था और साल 2018 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था, इसने वर्चुअली इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की बैन बजा दी थी, इसने क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअली इंडिया में खत्म कर दिया था, जिस वजह से इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड थी वो काफी हद तक डिप कर गई, क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसीज में डील करता था उसे ये पता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसकी रिपोर्ट है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए। पर फिर दोस्तों मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था उसे वॉश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया इज नॉट इलीगल, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करना अनरेगुलेटेड हो सकता है पर इलीगल नहीं है। तो दोस्तों इस फैसले के बाद मानो क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड में बूम आ गई, अचानक ही जो चीज एकदम मरी हुई थी उसको सांस मिल गई, ये क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन जो थे इनमें ट्रेड करना। सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया की एपेक्स कोर्ट है उसने कह दिया कि बिटकॉइन्स में डील करना इट इज नॉट इलीगल, अनरेगुलेटेड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें रेगुलेशंस नहीं है पर इसे इसमें डील करना इलीगल नहीं हो सकता। और दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीजें हुई। एक तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि हम अब क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का नहीं सोच रहे, इसको रेगुलेट करने का सोच रहे हैं। उन्होंने जो राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के तहत उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसीज के तहत जो भी डिजिटल करेंसीज हैं उनको हम एक तरीके से रेगुलेट करने का सोच रहे हैं। और दूसरा बहुत ही सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट ये हुआ कि कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई। अब इस 2021 के अमेंडमेंट के तहत जो भी कंपनीज ने क्रिप्टो करेंसीज खरीदी थी या उनमें डील करती थी उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर्स करने थे कि उन्होंने इस पे कितनी क्रिप्टो करेंसीज खरीदी हैं, उसमें कितना फायदा हुआ, उन्हें कितना नुकसान हुआ। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया और सरकार का ये जो रवैया है इससे क्रिप्टो करेंसी का जो सेक्टर है और इसमें जो क्रिप्टो करेंसीज में जो निवेश करते हैं उन्होंने सरकार के इस कदम को, इस रवैये को काफी वेलकम किया। तो दोस्तों दिस वॉज वेदर क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल और इलीगल इन इंडिया। बिटकॉइन भी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है तो उसको इंडिया में खरीदना बेचना इलीगल तो नहीं है। बट एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं है, कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हालांकि शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी को इक्वेट करना मतलब इट वुड नॉट बी राइट, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है और शेयर्स जो होते हैं वो एक तरीके का आप कंपनी में
जो हिस्सेदारी खरीदते हैं, उसकी जो मालिकाना है उसके मालिकाना में हिस्सेदारी खरीदते हैं। बट अगर आप इसको अपनी जो वैल्यू अप्रिसिएशन के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो क्योंकि आपकी इंटेंशन इज टू मेक मनी आउट ऑफ इट, तो उस नजरिए से यू नो दे माइट बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल। अब क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि उसकी अंडरलाइंग सिक्योरिटी नहीं है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी की गुडविल होती है, कंपनी का हो सकता है कुछ प्रोडक्ट हो, उसके प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, प्लांट इक्विपमेंट ना हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है तो उसका काफी चीजें होती हैं जो कि ऑन पेपर्स होती हैं, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो देयर इज एन अंडरलाइंग वैल्यू जब आप कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं, बट क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन स्पेशली उसमें कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, वो बस डिमांड और सप्लाई पे चल रही है। और पास्ट में भी ऐसे काफी पंप एंड डंप स्कैम्स हुए हैं। पंप एंड डंप स्कैम्स होते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो क्या करते हैं, किसी भी एक फिजूल सी चीज पे जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसमें बहुत पैसे लगा देते हैं, जिस वजह से उसकी जो वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज पे या जिस एक्सचेंज पे भी वो ट्रेड होता है उसकी वैल्यू बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो अगर मान लीजिए किसी किसी ने किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसने उस पर 100 करोड़ रुपए लगा दिए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे, उन्होंने पैसे उस पर लगाने स्टार्ट कर दिए, तो उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इस बंदे ने जिसने 100 करोड़ रुपए लगाए, उसके 100 करोड़ रुपए हो सकता है कल की डेट में 200-300 करोड़ रुपए हो जाए, और जैसे ही वो होते हैं वो अपने पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि जिस चीज पे उन्होंने पैसे लगाए थे उसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है, इस वजह से वो भी चीज क्रैश कर जाती है, उसके पास सस्टेन करने को नीचे पैर नहीं होते उस वैल्यू के। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी ही चीज है जिसकी अंडरलाइन वैल्यू कोई नहीं है। तो कल की डेट में मान लीजिए जो भी नामी ग्रामी लोग इसमें करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, कल की डेट में अपने वो करोड़ों को और बढ़ा ले, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, जितना भी बढ़ाना चाहे वो बढ़ा ले। बढ़ाने के बाद अगर उसमें से वो पैसे निकाल लेते हैं तो ये जो वैल्यू है इसकी वो क्रैश कर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और इसको कहते हैं पंप एंड डंप स्कैम्स। और पास्ट में कई चीजों में ये पंप एंड डंप स्कैम्स हो चुके हैं, और क्रिप्टो करेंसी भी क्योंकि इसमें कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, देयर इज अ हाई चांस कि जिन्होंने पैसा लगाया अगर वो इसे विड्रॉ करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी विल नॉट हैव फीट टू स्टैंड ऑन और ये क्रैश कर जाएगी। तो इसी वजह से अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रहे हैं तो आप कुछ पैसे लगाएं जिसपे आप रिस्क ले सकते हैं, अपने जीवन की जमा पूंजी ना लगा दें, क्योंकि देर इज अ हाई चांस, और अगर ये हो जाए तो देर इज नो वे यू कैन गो टू। आप किसी भी सरकारी क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो यू नो देर वोंट बी एनीथिंग टू बेस योर क्लेम ऑन। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना इज ओके, उसमें हो सकता है कि आपके कुछ पैसे काफी बढ़ जाएं, बट इसमें अगर कोई आपको कहे कि आप अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा दें तो दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू अस अ बैड आइडिया। दोस्तों दिस वॉज अबाउट इट। आप बिटकॉइन के बारे क्या सोचते हैं, आप क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज जिसे हम कहते हैं उसके बारे आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप में से किसी ने बिटकॉइन पे पैसे लगाए हैं या लगाने का सोच रहे हैं तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं, जैसे किसी ने अगर लगाए हों तो उन्होंने लगाने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जो भी उसे पढ़े उनको उससे पढ़ के फायदा हो। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी को भी इस डिस्कशन के साथ फायदा हो सकता है तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी ऐसी लीगल डिस्कशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।